नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, स्वास्थ्य ख़राब है 3-4 दिन से, तो सर्दी जुकाम हो गया है। तो अभी हम लोग आए एक साइट पर जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। हम लोग बना रहे हैं एक तालाब। तो फिलहाल मैं, हमारी मशीन चल रही है यहाँ पे 4x4, और एक डंपर, एक ट्रॉली और एक ट्रॉली जो है आ रही है, ठीक है। और एक ट्रैक्टर यहाँ चल रहा है जो कि है नोवो 1.25 फीट ट्राली, और एक 1.25 फीट ट्राली वो आ गई है। डंपर भरने के लिए मशीन को कितना ऊंचाई पे जाना पड़ता है, देखो। अब ये जो है जगह पे कचरा ज़्यादा है, जैसे ये देख रहे हो आप, तो ये कचरे को ही हटा के साफ करना है। और एक डंपर भरने में बहुत टाइम लगता है। अभी ये गाड़ी भरा के जाएगी, तो जब दोबारा भराएगी तब मैं टाइम बताऊंगा आपको कि ये मशीन कितना समय ले रही है एक डंपर भरने में, 600 फीट गाड़ी भरने में कितना समय ले रही है। एक्चुअली क्या होती है कि हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से मशीन को बहुत ऊपर जाता है। वहीं रैंप बन के अगर डंपर नीचे खड़ा हो जाए तो 10 मिनट पहले ही भर देगी। इधर वो थोड़ी सी ऊपर ले जा कर भरने में दिक्कत आती है। तो भाई साहब, अभी भराया है, काफ़ी देर बाद जो है भर पाई है, और नेक्स्ट चक्कर जो आएगा ना, तब मैं पूरा टाइम कैलकुलेट करके बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी देर लग गई थी। अभी हॉर्न दिया है भाई।
एक डंपर के बाद एक ट्रॉली भर गई है, अब दूसरी ट्रॉली आ रही है। ये जो घास फूस आ रही है इसी को ख़त्म करना है, और यहाँ भी बहुत सारी खरपतवार है। और एक ट्राली बच चुकी है भैया। ऐसी सिचुएशन में मुझे एक और डंपर की कमी महसूस हो रही है। एक और गाड़ी होती ना तो बहुत बढ़िया से फटाफट हो जाता, जब तक भरती दूसरे में आ जाता, रोटेशन बना रहता, क्योंकि ट्रॉलियाँ तो जरा जरा में भर जाती है, उतना समय नहीं लगता है। और एक गाड़ी होती ना तो बहुत जल्दी हो जाता, मेरे को व्यवस्था करना पड़ेगी, या तो रेंट पर लाना पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी। तो करते हैं, अभी शुरुआत ही हुई है, क्या करते हैं, आई है काफ़ी समय अपने पास। तो दोस्तों, डंपर जो है भराना चालू हो गया है, और इस वक्त समय हो रहा है 4:46, और देखते हैं कितनी देर में ये भरा पाता है। 4:46 को जो है इसकी भराई जो है चालू हो गई है, और अभी मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा इसको भरने में, मिट्टी में इस मशीन ने कितना टाइम लिया, क्योंकि अपन ने समय पर नोटिस कर लिया कितना टाइम लगा।
तो भाई साहब डंपर की भराई जो है चल रही है, और इस वक्त देखो आप 5:03, 4:46 पर शुरू किया था अपन ने, 19 मिनट हो चुके हैं और आखिरी के कुछ बकेट डलना बाकी रह गया है और लगभग हो गया है। और जब तक ट्रॉली भी वापस आ गई है एक, और एक ट्रॉली ऑलरेडी अपनी यहीं खड़ी हुई है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है। देखो तो थोड़ा ओवर डल रही है, बराबर नहीं है, ये बॉडी से ऊपर डल रहा है माल। आ गया ट्रैक्टर, हॉर्न दे दिया है जेसीबी ने, और पूरे 5-4 हो रहे हैं, मतलब आप ये समझो 20 मिनट पूरे पूरे जो है डंपर को भरने में मशीन ने लिए। तो भाई साहब ये जो ट्रिप है खाली हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो ये टिपर को अभी तक हमने चला के नहीं देखा है, ऐसे चालू करके ऊपर बैठ के तो बहुत देखा है। अब यहाँ से खाली जा रही गाड़ी और रोड भी खाली है और मुझे चलाना भी आता है, तो मैं ना चला के देखता हूँ। फर्स्ट टाइम जो है अपन टिपर चला के देखते हैं, 10 टायर फिर उसके बाद अपन कभी 12 टायर भी चलाएंगे कि ये कैसा चलता है। तो पहले इसको मोड़ लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, और खाली गाड़ी में लेके चलूँगा कहाँ तक, जहाँ पे जेसीबी चल रही है, और आप बताना कि मैंने कैसे चलाया। अभी पहले इनको डाला वगैरह लगा लेने दो, ये वाला। तो हमारी दूसरी ट्रॉली भी आ गई है, और पहले मोड़ लेने देते हैं। सूरज मोड़ दो, यहाँ से वहाँ तक खाली गाड़ी में चलाऊँगा। हाँ रोड पर नहीं, ऐसे ही लगा दो भले ही। तो भाई स्लिप भी मारता है ये, देखो ये एक्सल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो पीछे वाले पहिए जो ऊपर हो जाते हैं वो स्लिप भी मारता है। तो यहाँ से जो है गाड़ी अपन चलाते हैं, है ना, अंदर हो जाओ अंदर, और ये ऐसे खुलेगा। मुझे ना गाइड करते रहना। भाई साहब फर्स्ट टाइम खाली गाड़ी चला के देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जगह तो है ही नहीं है, और ये पहला गया था। हाँ। पहले ही आया ना। हाँ। तो चलते हैं, चला के देखते हैं टिपर, छोड़ू क्लच। ऐसे क्यों कर रहा है? फोर व्हील कर लो, राउंड मार। कौन सी वाली बटन दबाऊं? इस साइड कर लो, वो तार है ना एक, अब ये
लीवर है जो हाँ पत्ती लगी हाँ उसको अपनी साइड खींच लो। दोनों पट्टी के अंदर ही चलेगी ये सफेद के टायर एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा ये जो सफेद पट्टी के बिल्कुल अंदर चलेगी साइड ग्लास में देख लो टायर। अच्छा हाँ हाँ ओके ओके इसमें दिख तो रहा है अंदर है हाँ साइड से भी अंदर नहीं नहीं साइड से अंदर नहीं है अभी थोड़ा सा इधर दबा के लो भाई साइड लेना डोरी है ऊपर लेवल उस तरफ है ऊपर है मैं जान निकल गई हां निकल गई बस वही से गन जीत लिए तो बहुत मजा है लॉक तो ही नहीं रहा दबा के लगाओ उठा के मतलब तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है इसको चलाना और अभी जो है फिलहाल बढ़ा रहा है वहाँ से यहाँ तक ला रहा है मतलब पहली बार में तो एक तो बहुत बड़ा है ना तो बाहर इधर कांच में देखने पड़ते हैं यहाँ नीचे में तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अभी नीचे उतरते हैं अपने पास की नहीं है ये लेकिन मैंने क्या चला के देखा अब किसी दिन अपन 12 टायर भी चला के देखेंगे फिलहाल ये मशीन जो है भर रही है इसको देखते हैं क्या होता है
तो यहाँ तक जो है साइड पे से यहाँ तक मैं लेके आया और बहुत भारी भरकम है और उन्होंने ये मतलब सजावट लगा रखी है। पता नहीं इन लोगों को कैसे पसंद आता है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमारे आसिफ भाई आ चुके हैं, जब ये गाड़ी खरीदी थी तो आसिफ भाई खरीद के लेके आए थे, चला के लेके आए थे। भाई मैंने चलाया, बहुत कठिन है ये, तो कहना चाहोगे हाँ वाहन से मैं तो लेके आया, अच्छा नहीं लगा। अरे अजीब लगता है, डर लग रहा था अंदर। आदत मजा आ गया, आदत मजा आ गया। अच्छा, और आसिफ भाई हमारे 12 टायर भी चला चुके हैं, सबरे टॉप में भी चलाई थी वो, तो क्या इधर उधर भार होता है, भगता थोड़ा सा। कार चलाई है आपने जी? हाँ, तो कार की ड्राइविंग और इसकी ड्राइविंग में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत भयंकर वाला। तो